ऑलराइट गाइस, सो टाइम आ चुका है पीएचपी के डिस्कशन को आगे बढ़ाने का, और उसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पर पीएचपी को थोड़ा सा और नज़दीक से देखेंगे, देखेंगे कि पीएचपी का सिंटैक्स किस तरह से काम करता है। गाइस, अगर आप लोगों ने ये पीएचपी की जो सीरीज़ है मेरी, ये जो प्लेलिस्ट है, इसको एक्सेस नहीं किया अभी तक, तो काइंडली इसको एक्सेस करें, ऊपर क्लिक करके बुकमार्क करें, नीचे यहाँ क्लिक करके सेव कर लें, ठीक है। हमने अपने पिछले वीडियो में ये फाइल लिखी थी, और इसमें आप में से कई लोगों ने मुझे कमेंट भेजा कि ये क्या है, और ये तो मतलब सिंपली हेलो वर्ल्ड और दिस इज़ हैरी डॉट पी एच पी सब चीज़ें बोल रहा है। तो मैं बोलूँगा कि आप लोग जैम को अपने स्टार्ट करें, और पता नहीं मेरी आदत पड़ी हुई है कि जब भी मैं अपाचे स्टार्ट करता हूँ, मैं माई सीक्वल भी स्टार्ट कर बैठता हूँ। आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम माई सीक्वल यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप इसको स्टॉप भी कर सकते हो। आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या चीज़ आप कब यूज़ कर रहे हो, तो किस चीज़ का क्या यूज़ है, ये जानना एक वेब डेवलपर के लिए बहुत ज़रूरी है। अपाचे फाइल सर्व करने में आपकी मदद करता है, और वो फाइल्स आपकी कहाँ पर रिसाइड करती हैं, मैंने आप लोगों को बताया था ऑलरेडी, एचटी डॉक्स, ठीक है। हमारा ये हैरी नाम का प्रोजेक्ट है, और यहाँ पर मैंने एक इंडेक्स डॉट पी एच पी एक डी आई आर डॉट पी एच पी यहाँ पर लिखी हुई है। अगर मैं अपने ब्राउज़र में अभी जाऊँ और मैं लिख दूँ यहाँ पर लोकल होस्ट स्लैश हैरी, तो क्या होगा, लोकल हो स्लैश हैरी लिखूंगा तो ये हेलो वर्ल्ड 103 आ गया, और ये हेलो वर्ल्ड 103 कहाँ से आ रहा है, ये मेरी इस इंडेक्स डॉट पी एच पी से आ रहा है, जो कि मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। 5+98 को इसने एग्जीक्यूट किया, 103 प्रिंट किया। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ कि पी एच पी का एक बेसिक सिंटेक्स अभी आप लिखोगे तो आप किस तरह लिखोगे। पी एच पी को आप एच टी एम एल पेजेस के बीच में एम्बेड करके लिखते हो। जैसे मान लो अभी यहाँ पर मैंने पी एच पी लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर पी एच पी ये इस तरह से एंगुलर ब्रैकेट लगाया, मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, पी एच पी लगाया, ये ओपनिंग पी एच पी टैग है और ये क्लोजिंग है, ठीक है। तो कोई भी पी एच पी अगर स्टार्ट होगी तो वो इस तरह से स्टार्ट होगी और इस तरह से क्लोज होगी। अब इस तरह के दो तीन अगर मैं और लगा दूँ पी एच पी टैग्स, तो क्या ये वैलिड सिंटैक्स है? तो अगर मैं यहाँ पर हेलो वर्ल्ड 1, 2 और 3 लिख दूँ स्पेसेस देकर, और ये एको को हटा देता हूँ, ज़्यादा मैं एको नहीं करना चाहता, सेव किया मैंने इसको, तो अगर मैं इसको रिलोड करूँगा तो 3 बार मेरे पास हेलो वर्ल्ड 1, 2, 3 आएगा। क्यों आए ये 3 बार? क्योंकि मैं अपने पीएचपी को टुकड़ों में भी लिख सकता हूँ, यानी कि अगर मेरे पास एक वेब पेज है, मैं अलग अलग जगह उसमें पीएचपी एम्बेड करना चाहता हूँ, तो मैं उसको जो है एम्बेड कर सकता हूँ, अलग अलग टुकड़ों में मैं उसको लगा लगा कर एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ। अब मेरी ये जो पीएचपी है, यहाँ पर मैं हो सकता है किसी फाइल को रीड करूँ और उसके कंटेंट को पेस्ट करा दूं, यहाँ पर हो सकता है कि मैं कोई नेटवर्क रिक्वेस्ट मारूं, वहाँ से जो रिस्पॉन्स आए उसको मैं यहाँ पर जो है पेस्ट कर दूं, यहाँ पर हो सकता है कि मैं फाइल सिस्टम से किसी फाइल को रीड करूं या डेटाबेस में से कोई डेटा लेकर आऊं और उसको शो कराऊं। तो ये जो ब्लॉक्स होते हैं पीएचपी के, ये बेसिकली एग्जीक्यूट किए जाते हैं, और इनको एग्जीक्यूट कौन करता है? हमारा पीएचपी जो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है वो एग्जीक्यूट करता है, और एक बार वो एग्जीक्यूट कर देता है हमारा, तो क्या होगा कि उसका जो भी रिस्पॉन्स है, जो भी उसने रिस्पॉन्स दिया है, वो इस चीज़ को रिप्लेस कर देगा। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देना चाहूँगा HTML को लगाकर। तो हम लोग यहाँ पर जो है HTML का जो बेसिक कोड है वो लिखेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग कुछ इस तरह से यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क मारेंगे तो आपकी MET एब्रीवेशन आ जाएगी। आप अगर चुन लेंगे पहले वाले को तो ये आपको कुछ बॉयलर प्लेट दे देगा। मैं ये PHP हटा देता हूँ अभी, इस तरह से ये सब हटा देता हूँ मैं, और ये जो मेरा हेलो वर्ल्ड 1 है, इसको मैं कट करके डालूंगा। कहाँ पर मैं इसको कट करके डालूंगा? यहाँ बॉडी में, ठीक है। तो इसको बॉडी में ना डालकर मैं बॉडी में डाल दूँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एको हेलो वर्ड कर दिया। तो अगर मैं यहाँ पर भी डाल दूँ इसको पीएचपी को कुछ इस तरह से, यानी कि दो ब्लॉक मैंने डाले हुए हैं। और एक बात आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर पीएचपी का सिंटैक्स अब समझना। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक ओपनिंग पीएचपी का जो ब्लॉक था वो लगाया, उसके बाद मैंने यहाँ पर एको हेलो वर्ड 1 लिखा, और उसके बाद मैंने यहाँ पर सेमी कॉलन लगाया। अब सेमी कॉलन बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि सेमी कॉलन जो होता है वो टर्मिनेट करता है एक स्टेटमेंट को। ये जो एको हेलो वर्ल्ड 1 है वो एक स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए मैंने सेमी कॉलन का इस्तेमाल किया। यानी कि ये जो मेरी एक लाइन में पीएचपी लिखी हुई है, इसमें मैं मल्टीपल स्टेटमेंट भी लिख सकता हूँ। ये जो इंडेंटेशन वगैरह है, इससे फ़र्क इसको ज़्यादा नहीं पड़ता है। मैं एको हेलो वर्ल्ड 1 लिख के यहाँ पर एको हेलो वर्ल्ड 2 भी लिख सकता हूँ वापस से। मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ। मैं अगर यहाँ पर लिखूँ दिस इज, और उसके बाद स्पेस देके लिख दूँ टाइटल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स लगाए, मैंने लिखा पीएचपी एको दिस इज, यानी कि ये जो मेरा पार्ट है एको स्टेटमेंट, ये एक तरह से मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा और वो दिस इज को प्रिंट कर देगा, और ये दूसरा स्टेटमेंट है पीएचपी के ब्लॉक के अंदर, वो टाइटल जो है वो मेरा डिस्प्ले कर देगा, और ये जो पूरा ब्लॉक है मेरा वो इवैल्यूएट होगा दिस इज टाइटल में। तो मेरा टाइटल के अंदर मुझे मेरे वेब पेज में दिस इज टाइटल दिखाई देगा। आप लोग को दिखाता हूँ, मैं रिलोड करूँगा इसको राइट क्लिक करके। अगर मैं व्यू पेज सोर्स में जाऊँ, वैसे तो आप टाइटल ऊपर देख सकते हो दिस इज टाइटल,
लेकिन यहाँ पर देखो, मैंने जो HTML लगाई थी वो उसके बीच में जो मेरा PHP ब्लॉक थे वो सारे इवैल्यूएट हो चुके हैं। अब देखो यहाँ पर ये वाला ब्लॉक इवैल्यूएट हुआ दिस इज टाइटल में, ये इवैल्यूएट हुआ हेलो वर्ल्ड वन में। अब अगर मान लो आप लोग कहोगे यार मैं नहीं लगाता सेमी कोलन, मेरे को नहीं लगता अच्छा, मैं तो जावा स्क्रिप्ट की तरह मेरी आदत पड़ी हुई है, मैं सेमी कोलन नहीं लगाता हूँ। अगर आप ऐसा करोगे यहाँ पर तो देखो क्या होगा, आपको दिखाता हूँ मैं, एरर आएगा। तो ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि यार सिंटेक्स एरर, आपने ये जो सिंटेक्स लिखा है मुझे नहीं पता क्या है, क्योंकि इसको जो चीज़ें होती हैं वो इसके हिसाब से चाहिए होती हैं, और अगर आप लोगों ने इसको चीज़ें इसके हिसाब से नहीं दी तो ये आपको एरर देगा। ये बोलेगा कि भाई देखो ऐसा है, मैं यहाँ पर जो है सेमी कोलन एक्सपेक्ट करता हूँ लाइन नंबर 6 में, और आपने जो है मुझे नहीं दिया, और ये जो है एक सिंटेक्स एरर। ये अभी आपको इस तरह से दिखा रहा है, सिंटेक्स एरर दिखा रहा है इस तरह से, जब आप प्रोडक्शन में ऐप्स को डिप्लॉय करोगे तो ये इंटरनल सर्वर एरर दिखाएगा। ये बोलेगा सर्वर में कुछ एरर आ गया, PHP एग्जीक्यूट नहीं हो पाई, इसलिए एरर हैंडलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं वापस से अपने जो सेमी कोलन्स थे उनको जगह पर रख दूंगा, और ये जो दो मैंने स्टेटमेंट्स दिए हैं, एक तो एको टाइटल और एक एको दिस इज, ये दोनों जो है मेरे इवैल्यूएट होगी दिस इज और टाइटल यहाँ पर रख देंगे, और ये जो पूरा PHP का ब्लॉक है वो इवैल्यूएट हो जाएगा मेरा दिस इज टाइटल में। तो PHP को एक सिंगल लाइन में भी लिखा जा सकता है इस तरह से। ऐसे बहुत सारे यूजेस देखेंगे आप PHP के, जब हम लोग यूज़र का नाम लिखेंगे कभी नेविगेशन बार में ऊपर लिखना है वेलकम हैरी, वेलकम शुभम, वेलकम रोहन, उस टाइप से। या फिर अगर हम लोगों को मान लो कोई चीज़ डेटाबेस में से लेकर आनी है, एक सिंगल वर्ड है और वो क्या वर्ड होगा वो डेटाबेस में वैल्यू के हिसाब से लेकर आना है, तो उस तरह से भी आप कर सकते हो। तो मल्टीपल PHP के ब्लॉक्स जो है आप लोग लगा सकते हो, बढ़िया। अब यहाँ पर मैंने हेलो वर्ड वन लिखा और ये हेलो वर्ड वन में मेरा इवैल्यूएट हो गया। तो ये पूरा जो मेरा PHP का ब्लॉक था वो हेलो वर्ड वन में इवैल्यूएट हुआ, ठीक है। सो आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर HTML, CSS और JavaScript आप लोगों को वैसे थ्योरेटिकली बात करूँ तो आना चाहिए, ठीक है। लेकिन देखो होता क्या है, मैं आप लोगों को कुछ रियलिटी चेक देना चाहता हूँ यहाँ पर। अगर आप लोग एक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो आप लोग कभी भी ऐसा मत करना कि HTML जो है उसको आप एकदम पूरे सारे टैग्स याद करके बैठ रहे हो, CSS की एक एक प्रॉपर्टी रट्टा मार के बैठ रहे हो, JavaScript में आप जो है अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दे रहे हो JavaScript सीखने में। नहीं, मैं कहूँगा कि इन सबको सीखने का, अगर आपने सबका 70-70% सीख लिया तो जो बाकी का 30% है वो आपको आ जाएगा प्रैक्टिस करके, तो वो आपको प्रैक्टिस खुद सिखा देगी, ये मेरा मानना है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग जो है फ्रेमवर्क्स का इस्तेमाल करो। एक फ्रेमवर्क का मैं यूज़ करूँगा जिसका नाम है बूटस्ट्रैप, और बूटस्ट्रैप क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये CSS, HTML, JavaScript लिखने से आपको बचाता है, कुल मिला के बात ये है। आपको क्या करना है, इसको इंक्लूड कर लेना है और HTML, CSS, JavaScript की टेंशन ख़त्म, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि HTML, CSS, JavaScript आपको नहीं आना चाहिए, HTML, CSS, JavaScript इज़ इम्पॉर्टेंट, बट आप लोग बूटस्ट्रैप यूज़ करके काफ़ी हद तक अपना HTML, CSS और JavaScript का लिखना अवॉइड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर स्टार्टर टेम्पलेट को कॉपी करूँगा, स्टार्टर टेम्पलेट मतलब आप इसको कॉपी करोगे तो आपकी जो स्टार्टर टेम्पलेट है वो आ जाएगी। मैं यहाँ पर इंडेक्स बूट डॉट HTML लिखूँगा, यानी कि इंडेक्स बूट स्ट्रैप, और मुझे PHP सिंटेक्स सॉरी एक्सटेंशन देना था, मैंने गलती से HTML दे दिया, कोई बात नहीं। मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट किया, मैं यहाँ पर इंडेक्स डॉट PHP में क्या करूँगा, ये जो मेरा एको हेलो वर्ड है मैं यहाँ पर लिखूँगा, हेलो वर्ड की जगह लिख दूँगा एको हेलो वर्ड, कि मेरा जो है PHP से आ रहा है। सेव किया इसको, मैंने सेव करूँगा और यहाँ पर हेलो वर्ड वन आएगा मेरा, अगर मैं इंडेक्स बूट पर जाऊँगा तो इंडेक्स बूट डॉट PHP, और यहाँ पर देखो हेलो वर्ड वन आ रहा है। इसका पेज सोर्स दिखाऊँ तो ये देखो यहाँ पर पेज सोर्स आपको दिख रहा है हेलो वर्ड वन, ठीक है। PHP नहीं दिखेगा आपको, क्लाइंट साइड पे PHP नहीं दिखेगा, क्योंकि वो सर्वर पे एग्जीक्यूट होकर आपको फाइल्स भेज रहा है, इतना काम कर रहा है बस। अब यहाँ पर आप लोगों को बूटस्ट्रैप का फ़ायदा देना चाहता हूँ। आप में से कई लोग बोलोगे जो कि बूटस्ट्रैप नहीं जानते हैं, ऑब्वियसली वो बोलेंगे यार ये हेलो वर्ड तो मैंने बिना बूटस्ट्रैप लगाए भी लिख लिया होता। तो उन लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स। बूटस्ट्रैप में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, और बूटस्ट्रैप में आप लोग ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं ये इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि मान लो मैं ये वाला अलर्ट यूज़ करना चाहता हूँ, मान लो मैं डिसमिसेबल अलर्ट यूज़ करना चाहता हूँ, ये वाला कहाँ गया मेरा डिसमिसेबल अलर्ट, नीचे होता है ये वाला, मान लो मैं ये यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं ये कोड कॉपी करके कहाँ पर लगा दूंगा, यहाँ पर लगा दूंगा नीचे, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट भी आप कर सकते हो अगर आपके पास कोई फॉर्मेटर है तो। अभी के लिए मैं क्या करूँगा, अभी के लिए इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, आप लोग खुद से फॉर्मेट कर लो इसको अभी के लिए। लेकिन आप लोग प्रीटियर वगैरह इस तरह की एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हो। अब आप लोग अगर बिगिनर हो तो मैं आप लोगों को यहाँ पर इन सब चीज़ों से ओवरवेल्म नहीं करना चाहता कि आप लोग परेशान हो जाओ, नहीं ऐसा नहीं करूँगा मैं।
इसको मैं रिलोड करूंगा, और यहाँ पर देखो होली ग्लू का मोली, मैं इसको ज़रा रीसेट करता हूँ। ये देखो ये चीज़ यहाँ पर लिख कर आ गई, तो आप इसको डिसमिस भी कर सकते हो ऐसे। तो अगर आप इस तरह की चीज़ें चाहते हो तो आप बूटस्ट्रैप को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी, जो H1 था ये मुझे ऊपर रखना चाहिए था ऐसे। अब मैं यहाँ पर जो है इसको रिलोड करूँगा तो थोड़ा सा अच्छी तरह से आएगा। हाँ देखो अब थोड़ा अच्छी तरह शो कर रहा है, तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे बंद कर सकता हूँ। ठीक है, तो और इस तरह के जो अलर्ट्स हैं उनको मैं अपने PHP में लॉजिक लिख कर सेंड कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो चीज़ भी जो है आप लोग आराम से हम लोग करेंगे, आगे करेंगे हम लोग, ऐसी बात नहीं है। बस यहाँ पर मैं आपको बूटस्ट्रैप की पावर दिखाना चाहता था, मैं आप लोग को दिखाना चाहता था कि जो नेविगेशन बार है हमारा वो किस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नेव बार, और नेव बार कोई अच्छा सा नेव बार नहीं मिल रहा, ये रहा हमारा एक अच्छा सा नेव बार जो कि मैं कॉपी कर सकता हूँ यहाँ से। सिंपली कॉपी करके पेस्ट कर देना है आपको यहाँ पर। अब मैं ये हेलो वर्ड हटा रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सेव करो इसको, सेव करोगे तो क्या होगा कि ये जो नेव बार है वो आपका आ जाएगा यहाँ पर। देखो नेव बार आ गया है, यहाँ पर मैं इसको रिसेट कर देता हूँ। हाँ ये देखो, अब यहाँ पर कुछ गड़बड़ करी है शायद मैंने, देखता हूँ क्या गड़बड़ करी है। मैंने लगता है कोई H1 वगैरह जो है सही से नहीं लिखा है। इज़ दैट द केस? हाँ ये देखो H1 हटा दिया मैंने, इसको हटाना पड़ेगा। ये देखो अब ये थोड़ा अच्छी तरह से रेंडर होगा, तो अच्छी तरह से यूज़ करना आपको आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर मुझे कोई अगर अलर्ट देना है तो वो मैं यहाँ पर इसको और डिसमिस कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं अपनी कंपनी का नाम, ड्रॉप डाउन, ये सब चीज़ें यूज़ कर सकता हूँ बिना HTML CSS JavaScript को ज़्यादा जाने। बट नॉलेज आपको होनी चाहिए ऑब्वियसली। मैं ही नहीं कह रहा हूँ आपको HTML CSS JavaScript नहीं आती है उसके बाद आप यहाँ पर अपना पावर डाल रहे हो, दैट इज़ नॉट गुड। आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बट अगेन मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि आपको एकदम पूरा एक्सपर्ट बन के आना है। मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग इस वीडियो सीरीज़ में बने रहो और हम लोग जो है साथ में एक्सप्लोर कर लेंगे सारे टैग्स को। अभी तक हमने जितना किया है कॉपी पेस्ट था। कभी मैं इस कोर्स में आपको ये नहीं बोलूँगा कि यार आप लोग को जो है ये आना ज़रूरी है इस कोर्स को करने के लिए। जितना चाहिए मैं यहीं के यहीं आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलो हैविंग सेड दैट हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। ये हमारी एक बेसिक वेबसाइट है। अब ये जो नेविगेशन बार के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं उसको मैं PHP से ला सकता हूँ। जैसे कि मान लो मैं होम में, मान लो मैं PHP में इस तरह से लिखना चाहता हूँ, मैं जो मेरा कंपनी का नाम है मैं मान लो लिखना चाहता हूँ ये PHP से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने ये PHP का एक ब्लॉक लगा दिया छोटा सा। इसके अंदर जो भी मैं लिखूँगा, मैं एको भी लिखना पड़ेगा मुझे कंपनी नेम। ठीक है, और सेमी कोलन लगाना गलती से भी मत भूल जाना। खाना खाना आप लोग भूल सकते हो, सेमी कोलन लगाना नहीं भूलना है। ठीक है, सेव किया इसको मैंने, रिलोड करूँगा और यहाँ पर देखो कंपनी नेम लिख कर आ गया और ये आ रहा है डायनामिकली PHP से। अभी तक हम लोगों ने PHP में कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी कि PHP हमें कुछ फ़ायदा दे रही है। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये हम स्ट्रिंग डाल के तो लिख दे रहे हैं लेकिन इसका यूज़ क्या है, आप लोग हो सकता है ऐसा सोच रहे हो। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आगे हम लोग लॉजिक इंटरप्रेट करेंगे, हम लोग आगे जाकर कुछ ऐसा करेंगे कि हमारे डेटाबेस से वैल्यूज़ आ रही हैं या फिर हमारे डेटाबेस में से जो वैल्यू आ रही है उसको हम लूप कर रहे हैं, जितनी वैल्यूज़ हैं उतने हमारे ब्लॉक्स शो हो रहे हैं, उस तरह के काम करेंगे तब आपको PHP आप लोग ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए आप लोग सिर्फ इतना जो है समझ सकते हो एंड दिस शुड बी गुड इनफ आप लोगों के लिए। ठीक है, चलो बढ़िया। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर आप लोगों को कॉमेंट्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि कॉमेंट्स क्या होते हैं PHP में। अब मान लो मैंने PHP का कोड लिखा यहाँ पर। ठीक है, PHP का ये कोड मैंने यहाँ पर लिखा, मैं मान लो लिखना चाहता हूँ यहाँ पर कि मैंने ये कोड क्यों लिखा। ठीक है, तो मैं इसको ज़रा तोड़ देता हूँ ऐसे, एक ब्लॉक जो है थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ अपना और मैं इसको न्यू लाइन लगा देता हूँ यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। मान लो मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ कि मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 6 महीने के बाद जब मैं वापस आऊँगा इसी कोड बेस में तो हो सकता है कि मुझे ही ये समझ में ना आए कि मैंने ये क्यों लिखा था। तो उसकी पूर्ति करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैंने क्यों लिखा था यहाँ पर कॉमेंट लगा दूंगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा दिस इज माई कंपनी नेम। ठीक है, मान लो मैंने ये लिखा, बढ़िया, प्रॉब्लम सॉल्व, मैंने दिस इज माई कंपनी नेम लिख दिया तो मैंने अपने आप को जानकारी दे दी कि ये कंपनी नेम है। लेकिन एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, अगर मैं इसको रिलोड करूँ तो यहाँ पर सिंटैक्स एरर आ गया और ये सिंटैक्स एरर ये कह रहा है कि आपने ये क्या लिख दिया, ये तो PHP का सिंटैक्स है ही नहीं। सेमी कोलन भी लगा लो तब भी इस PHP का सिंटैक्स नहीं है। PHP को एक जो सिंटैक्स है उसको उसके हिसाब से चीज़ें चाहिए होती है। अगर एको लगा दूंगा तो ये फालतू में मेरा दिखने लग जाएगा, इसलिए मैं कमेंट लिखूंगा। और कमेंट लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर डबल स्लैश लगाना पड़ेगा। जैसे आप लोग डबल स्लैश लगाओगे तो होगा क्या कि ये जो चीज़ है आपका PHP का जो प्रोसेसर है वो इग्नोर कर देगा। PHP आपको इस चीज़ से मुक्ति दिला देगा, वो कहेगा मैं इसको नहीं जानता, इसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ेगा, इन सब चीज़ों को प्रोसेस करेगा। तो इसे कहते हैं कमेंट्स। कमेंट्स का मतलब होता है कि
आप अपने प्रोग्राम में कुछ ऐसी चीज़ लिख रहे हो जो कि आप एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते। अब अगर आप मल्टीपल लाइंस में कमेंट लिखना चाहते हो तो क्या करोगे? तो भी सिंपल है, आपको फॉरवर्ड स्लैश लगाना है, स्टार लगाना है, फिर दिस इज़ माई मल्टी लाइन कॉमेंट, और उसके बाद आपको स्टार लगा के ऐसे कर देना। तो जो ओपनिंग क्लोजिंग है इसको ध्यान रखो आप, ओपनिंग और क्लोजिंग को ध्यान रखो आप लोग। फॉरवर्ड स्लैश स्टार, दिस इज माई मल्टी लाइन कॉमेंट, स्टार फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। तो इसके और इसके बीच में जो चीज़ रहेगी वो आपका पी एच पी इग्नोर करेगा, और इसके बाद जो एक लाइन में लिखा रहेगा वो पी एच पी इग्नोर करेगा। तो आप लोग इसको अपने प्रोग्राम में इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए यूज़ कर सकते हो, जैसे कि ऑथर नेम, प्रोग्राम का नाम, ये प्रोग्राम क्यों लिखा गया था, ये फाइल कौन यूज़ कर रहा है, ये फाइल का यूज़ क्या है, इसको क्यों लिखा गया है, डिस्क्रिप्शन वगैरह, तो वो चीज़ आप डाल सकते हो मल्टी लाइन कॉमेंट्स में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी हमने बहुत ही बेसिक सा यूसेज देखा है इसका पी एच पी का, हमने पी एच पी में ज़्यादा कुछ किया नहीं है अभी तक, लेकिन आगे जाके जब हम करेंगे पी एच पी में, वेबसाइट्स बनाएंगे, प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, तब आप लोगों को काम आएंगी ये सब चीज़ें, और तब आप लोगों को पता चलेगा कि कमेंट्स डालना कितना इंपॉर्टेंट होता है जब प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स हो जाता है और कमेंट आपका बिल्कुल भी जो पी एच पी है वो एग्जीक्यूट नहीं करती है, ठीक है। सो आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी। किसी जो आपको सोर्स कोड है वो मैं सारा का सारा दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाल दूंगा और आप लोग को मिल जाएगा ये सोर्स कोड, तो उसकी आप चिंता मत करना। अभी तक मैंने कोई ऐसा सोर्स कोड नहीं लिखा है जो कि बहुत बड़ा हो, बट जैसे जैसे मैं सोर्स कोड होता जाएगा इसका, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा जहाँ पे आप लोग को सोर्स कोड मिल जाएगा, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना उस चीज़ की, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग को ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, अगर आप लोग को पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर करना वीडियोस को, उसी के साथ साथ आप लोगों ने अगर ये प्लेलिस्ट बुकमार्क और सेव नहीं करी है तो वो भी आप लोग कर लेना, ठीक है। अभी के लिए गाइस इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।